Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture in Software Validation Verification course. In last lecture, we discussed the basic and fundamental testing techniques, that is the graph-based testing and data flow testing, control testing, loop testing. काफ़ी सारी हमने टेस्टिंग को डिस्कस किया और आप जानते हैं कि हम ये अपनी सेकंड बुक को फॉलो कर रहे हैं कि जो टॉपिक्स हमें फर्स्ट बुक के अंदर नहीं डिस्कस किए उसको हम सेकंड में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर और अब हम आगे फर्दर उनको डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है और उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और उसके क्या इम्पोर्टेंस है, ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 18 में मिलेगा, जो कि आपकी पेज नंबर भी आपको उस बुक का नज़र आ रहा है और चैप्टर नंबर भी आ रहा है, टेस्टिंग कन्वेंशनल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ब्लैक बॉक्स का मतलब यहाँ पे अगर इसके हम ज़ाहरी तौर पर देखें तो हम एक बॉक्स की बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल ब्लैक है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है हमें नहीं पता उस चीज़ का, ना हम उसको जानना चाहते हैं। मतलब कहने का ये है, एक सॉफ्टवेयर जब बनता है तो टेस्टर को जब दिया जाता है तो उसकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। उन टेस्टर का काम उसको टेस्ट करना तो होता ही है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये चीज़ नहीं देखनी होती कि भाई कोड कैसे लिखा हुआ है, कोड के हिस्से कितने हैं, सेगमेंट्स कितने हैं, मॉड्यूल कितने हैं, ये चीज़ नहीं देखी जाती, बल्कि उसको बाहर से देखा जाता है, यानी उसको यूज़ करके देखा जाता है, उसके इंटरफेस को इस्तेमाल करके देखा जाता है कि हम अगर फ्लां बटन प्रेस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो एक्टिविटी हो रही है ये वही एक्टिविटी है जो हमने यूज़र ने हमें एज ए रिक्वायरमेंट के तौर पर दी थी। अगर कोई वॉल्यूम हम कम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको स्लाइड बार को यूज़ करके वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है, उसी स्पीड से हो रहा है जिस स्पीड से स्लाइड बार चल रही है। तो ये इंटरफेस को टेस्ट करना और देखना कि वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से वर्क कर रहा है एज ए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, यही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। इसके अगर हम बरक्स बात करें कि अंदर कोड में क्या पड़ा हुआ है, कोड में कितने लूप हैं, कोड में कितनी कंडीशंस इस्तेमाल हो रही हैं, इस बटन के अवेज़ जो कोड लिखा हुआ है वो सही तरीके से लिखा हुआ है, ये चीज़ नहीं देखनी होती ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, ना ही ये मोटिव होता है। तो सिंपली मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश की है कि एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम किस सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी देख लें कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज़ आल्सो कॉल्ड द बिहेवियरल टेस्टिंग। बिहेवियर यानी उस एप्लीकेशन का बिहेवियर टेस्ट करना, उस सॉफ्टवेयर का बिहेवियर टेस्ट करना, एंड फोकसेस ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। यही कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे फोकस किया जाता है जो हमें क्लाइंट ने स्टार्ट में बताई थी, एंड दैट इज़ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक एनेबल यू टू ड्राइव द सेट ऑफ इनपुट कंडीशन दैट विल फुली एक्सरसाइज ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोग्राम। इन्हीं तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हमें बताई गई थी कस्टमर की तरफ से, जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, मेजरली उसी को टेस्ट आउट हम करना चाहते हैं। एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव ऑफ द वाइट बॉक्स। अभी हमने वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक पढ़नी है आगे, उसकी ये मुतबादिल नहीं है कि अगर हम कहें कि जी वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर ली जाए और ब्लैक बॉक्स ना की जाए क्योंकि हम वो एक कर चुके हैं, या अगर हम कहें कि नहीं जी हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं करेंगे ब्लैक बॉक्स ही करेंगे, तो ये दोनों अल्टरनेटिवली इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उसका अपना फंक्शन है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का और ब्लैक बॉक्स का अपना फंक्शन है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक को इस्तेमाल कर लें दूसरा स्किप कर लें, दोनों का अपना अपना टाइम है जिस टाइम के मुताबिक उनको यूज़ किया जाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज़ अटेम्प्ट्स टू फाइंड द एरर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। के ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से हमें
कौन कौन से एरर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शंस, के कहीं जो फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ है वही बात कि बटन प्रेस किया उस बटन के अगेंस्ट गलत काम हो रहा है या वो हो ही नहीं रहा, या एक फंक्शन ने एक यूज़र ने फंक्शन रिकमेंड किया था अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, वो फंक्शन हमें नज़र ही नहीं आया पूरी एप्लीकेशन में। तो इस तरह की चीज़ों को तलाश किया जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के ज़रिए। अनदर इंटरफेस एरर, इंटरफेस का कोई एरर तो नहीं आया सामने, बटन सही तरीके से नहीं लगाए, अरेंज नहीं किए, या कोई और प्रॉब्लम है, या कोई बटन सही तरीके से प्रेस नहीं हो रहा, या जो कोई लिस्ट व्यू है, या कम्बो बॉक्स है, या चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम है, दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई मिसिंग है, तो ये चीज़ कैप्चर आउट होती है। एरर्स इन डाटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस एक्सेस, ऐसा भी कि डेटा स्ट्रक्चर कोई गलत बना दिए हों आपने, कोई स्टैक और क्यू में डिफरेंस ना रखा हो आपने, कि आइटम सही तरीके से ऐड ना हो रहे हों, दूसरा डेटाबेस एक्सेस ना हो रही हो, गलत एक्सेस हो रही हो, और इसके अलावा बिहेवियर और परफॉर्मेंस एरर, रिलायबिलिटी एरर्स के देखी जाती है कि जो काम हो रहा है वो रिक्वायर्ड जो क्लाइंट ने टाइम बताया है उसके मुताबिक हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है एक्टिविटी में, और बाकी इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेशन एरर्स भी देखे जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके बाद हम जाहिर है वाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात भी करेंगे। तो टेस्ट केसेस जब डिज़ाइन करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए उस वक्त, कि हाउ फंक्शनल वैलिडिटी टेस्टेड, क्या हमने फंक्शनल वैलिडिटी टेस्ट कैसे करेंगे, सिस्टम बिहेवियर और परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे करेंगे, इनपुट्स को मैनेज कैसे करेंगे, और सेंसिटिव डाटा इनपुट्स मैनेज कैसे करेंगे, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कैसे करेंगे, और डाटा रेट्स को हम कैसे टॉलरेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें इस सिनेरियो में बतानी पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास अब ये हम आगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं, चंद टेक्निक्स हैं उनका हम सरसरी सा तस्करा करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहली जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं ग्राफ बेस्ड टेस्ट मेथड्स। इन द फर्स्ट स्टेप द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मॉडल्ड इन द सॉफ्टवेयर एंड द रिलेशनशिप कनेक्ट दीज ऑब्जेक्ट्स, के पहला स्टेप ये है कि हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स को तलाश करते हैं, मॉडल करते हैं, और उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसको मॉडल करते हैं। वंस हैज़ बीन अकॉम्प्लिश द नेक्स्ट स्टेप डिफाइन द सीरीज ऑफ टेस्ट टू वेरीफाई द ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी हम टेस्ट केसेस लिखेंगे उन तमाम ऑब्जेक्ट्स पे जो आपने मॉडल में ऐड किए हैं, और उनको देखेंगे कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स सही तरीके से ऐड हुए हैं, कोई रह तो नहीं गया, कोई ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स तो नहीं ऐड कर दिए, और ख़ास तौर पर यह देखा जाता है कि उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो सही तरीके से कैप्चर हो रहा है, या उनके मतलब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ भी कैप्चर होगी इस सिनेरियो में। उसके बाद हमारे पास ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग के अंदर अगर हम आगे चलें तो ये उसकी एक पिक्टोरियल शक्ल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आप देखें कि ये ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग है, हमने फर्स्ट करें उसमें तीन ऑब्जेक्ट शामिल किए हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1, 2, 3, उनके दरमियान लिंक आप दिखाएंगे कि भाई अगर कोई रिलेशनशिप है तो उनके दरमियान इस तरह लिंक दिखाते हैं, और अनडायरेक्ट लिंक भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लिंक दिखाएं सारे। दूसरा कोई पैरेलल लिंक्स होते हैं कि दो लिंक्स, भाई इस ऑब्जेक्ट का ताल्लुक इसके साथ भी है, इसका इसके साथ है, यानी पैरेलल लिंक्स भी दिखा सकते हैं आप। ऑन द अदर हैंड एक एग्जांपल दिखाई जा रही है आपको कि हमारे पास एक न्यू फाइल सिलेक्ट का मेन्यू है, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का मेन्यू है, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट विंडो का ऑब्जेक्ट है, इन तीनों के दरमियान हम इसको कैसे मेन्यू सिलेक्ट जनरेट का ये रिलेशनशिप है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। ऑफ कोर्स मेन्यू डॉक्यूमेंट विंडो से सिलेक्ट होगा, और उस पर टाइम कितना लगता है ये भी साथ हमने बताया कि 1 सेकंड से कम लगना चाहिए सिलेक्शन में। उसके बाद हमने ये कहा हुआ है कि डॉक्यूमेंट विंडो में डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होती है, यानी हम उसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट विंडो में। और दूसरा
न्यू फाइल जाहिर है हम किसकी बनाते हैं, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की बनाते हैं एज अ रिप्रेजेंट। तो ये आप देखें कि पिक्टोरली आपको ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है। तो इसको आप यहाँ से रीड आउट भी कर लेंगे तो काफ़ी ईजी है। ये यहाँ पे ऊपर मैंने समझा दिया है आपको, नीचे उनकी थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन है, इसको आप देख लेंगे। बाकी सरसरी से आप इनको देख सकते हैं। दूसरी टेक्निक हम इस देखना चाहेंगे जो कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की है, वो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है। मुझे याद है कि हमने ये ऑलरेडी फर्स्ट जो लेक्चर्स थे उनमें भी हमने इसको कवर किया था, आपने भी इसको देख लिया होगा। दोबारा इसको इस बुक के में भी देख लेते हैं। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक दैट डिवाइड्स द इनपुट डोमेन्स ऑफ द प्रोग्राम इनटू क्लासेस ऑफ डेटा फ्रॉम विच टेस्ट केसेस कैन बी ड्राइव्ड। यानी एक टेस्ट केसेस बनाया, उस टेस्ट केसेस के अगेंस्ट हम ये करते हैं कि जो यूज़र ने इनपुट देनी है उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे डाटा स्टोर करना है तो डाटा स्टोर करने में कौन कौन सी क्लासेस इस्तेमाल होंगी उनको उसके हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह कोई और काम हम करना चाहते हैं तो उसको उस हिसाब से डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पे एन आइडियल टेस्ट केस सिंगल हैंडल्डली अलकवर द क्लासेस ऑफ एरर। टेस्ट केसेस डिज़ाइन इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग इज़ बेस्ड ऑन इवेलुएशन ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस। अब बेसिकली ये देखा जाता है कि पार्टीशनिंग जो हमने की है उनमें क्लासेस जो हैं वो इक्विवेलेंस नहीं है कि जी आप जो उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको मज़ीद अब एक्सप्लेन करें। आप चाहें तो इसको अपनी पुराने लेक्चर्स को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं और इस बुक से भी आप पढ़ लेंगे। एक और टेक्निक है जो भी हमने ऑलरेडी शुरू के लेक्चर्स में कवर कर रखी है, वो है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि एक सिस्टम की लिमिटेशन क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, क्या वो सिस्टम उस रिस्ट्रिक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उस बाउंड्री को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप जो है मतलब जो वैल्यू एज ए बाउंड्री के तौर पर रोल परफॉर्म कर रही है वो उसमें इस्तेमाल हो रही हो, वायलेट ना हो रही हो। ए ग्रेटर नंबर ऑफ एरर्स अकर इन द बाउंड्रीज ऑफ द इनपुट डोमेन। मिसाल के तौर पे रोल नंबर सर्च कर सकते हैं, रोल नंबर आप 1 से 500 तक सर्च कर सकते हैं, तो उसकी बाउंड्री सर्चिंग की का क्या है, 500 बस। अब क्या यूज़र कहीं उससे ज़्यादा वैल्यू एंटर तो नहीं कर रहा? अगर कर रहा है तो हमें उस वैल्यू को सर्च करना चाहिए या उसको वहीं पर रोकना चाहिए? ऑफकोर्स रोकना चाहिए। तो ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है। टेस्टिंग के दौरान हम ये चेक करेंगे कि क्या प्रॉपर तरीके से उसको रोका जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको रोक नहीं रहे, डेवलपर ने कोड जो लिखा है उसमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। तो इस चीज़ को भी हम टेस्ट करेंगे, जो भी बाउंड्री वैल्यूज़ होंगी चाहे वो अल्फाबेटिकली हैं चाहे वो कोई इंटीजर्स हैं, उनको हम एज ए जो पीक वैल्यू होगी उसको हम टेस्ट आउट करेंगे। इट इज़ फॉर द रीज़न द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस has been developed to test technique and boundary value analysis leads to selection of the test cases exercise the boundary value. Again, ये वही बातें हैं, इनको भी आप अपने तौर पे रीड आउट कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको शुरू के लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ। अब क्योंकि हम ये दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बस ये दो टेक्निक्स आप करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, एक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, दूसरा ग्राफ बेस्ड टेस्ट और तीसरा इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। ये तीन टेक्निक्स बहुत हैं, यही इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगले लेक्चर में हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग को कवर करेंगे और उसके अंदर हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।